श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज अपने अनुपमेय दार्शनिक सिद्धांतों, मनोहर अलौकिक व्यक्तित्व तथा सहज स्नेही सरल स्वभाव के कारण आज करोड़ों आध्यात्मिक पिपासुओं के हृदय में बसे हुए हैं। भगवत पथ पर दृढ़ता से चलकर अपने दिव्य गंतव्य तक पहुंचने का संकल्प लेकर जिन लाखों लोगों ने आपकी शरण ग्रहण की, उनका हृदय तो श्री कृपालु जी का नाम सुनते ही बरबस झंकृत हो उठता है और उसमें विभिन्न भक्तिमय भावों की सृष्टि होने लगती है। जगद्गुरु श्री कृपालु जी का प्राकट्य सन 1922 में शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में भारतवर्ष में प्रयाग से लगभग 40 मील दूर मनगढ़ ग्राम में हुआ था। शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक साधकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि इसी दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम की सर्वोच्च कक्षा महाभाव भक्ति का आनंद जीवों को महारास रस के रूप में प्रदान किया था। जगद्गुरु श्री कृपालु महाप्रभु का संपूर्ण जीवन दर्शन एवं उनका साहित्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे हम क्षुद्र जीवों को भी इसी दुर्लभतम दिव्य रस का अधिकारी बनाने के लिए ही कृपालु बनकर इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुए थे। 16 वर्ष की अल्पायु में ही आपने जीवों के कल्याणार्थ अकथनीय अभूतपूर्व अथक परिश्रम प्रारंभ कर दिया था। दिव्य प्रेम के निर्झर सी अपनी अलौकिक वाणी में निःसृत हृदयहारी संकीर्तन एवं नास्तिक हृदयों को भी बरबस झंझोड़ देने वाले अपने अतुलनीय तत्वज्ञानोपदेशों आदि के द्वारा आपने देश, जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के भेदभाव के बिना उन्मुक्त हस्त से दिव्य प्रेम लुटाना प्रारंभ किया। जो उत्तरोत्तर वृद्धिशील गति से 91 वर्ष की आयु में आपके लीला संवरण दिवस तक जारी रहा। इसलिए मन से रूप ध्यान करने की बात जो मैं बार बार कहता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। माना कि पहले एकदम से रूप नहीं बनेगा, लेकिन बार बार पीछे पड़ जाओ तो फिर रूप ध्यान होने लगेगा, तो फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा। प्रबल सात्विक भावापन्न महाभावावस्था में
जब आप दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर प्रेम गदगद वाणी में हरि हरि बोल बोल हरि बोल गाते हुए उद्दाम नृत्य करते थे एवं पछाड़े खा खा कर गिरते थे, तो लोग बरबस यह सोचने को विवश हो जाते थे कि अवश्य ही ये चैतन्य महाप्रभु है जो अपनी जीव कल्याण की अदम्य लालसावश कृपालु महाप्रभु के रूप में पुनः भूतल पर अवतीर्ण हुए। सन 1955 में आपने चित्रकूट में एक अति विराट दार्शनिक सम्मेलन कराया जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से 72 प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया। सन 1956 में ऐसा ही एक सम्मेलन कानपुर में भी कराया। ये दोनों सम्मेलन 15-15 दिन के थे। उन सम्मेलनों में आपके समस्त वेदों शास्त्रों पुराणों आदि के अगाध ज्ञान को देखकर काशी के विद्वान भी स्तंभित रह गए। काशी के प्रख्यात पंडित शास्त्रार्थ महाविद्यालय काशी के संस्थापक शास्त्रार्थ महारथी भारत के लगभग 500 शीर्षस्थ विद्वानों की एकमात्र सभा काशी विद्वत परिषद के प्रधानमंत्री आचार्य श्री राजनारायण जी शुक्ल षट शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से कानपुर में घोषणा की थी। काशी के पंडित आसानी से किसी को समस्त शास्त्रों का विद्वान नहीं स्वीकार करते। हम लोग तो पहले शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं, हम उसे हर प्रकार से कसौटी पर कसते हैं और तब उसे शास्त्रज्ञ स्वीकार करते हैं। हम आज इस मंच से इस विशाल विद्वान मंडल को यह बताना चाहते हैं कि हमने संताग्रगण्य श्री कृपालु जी महाराज एवं उनकी भगवत दत्त प्रतिभा को पहचाना है और हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप भी इन्हें पहचानें और इनसे लाभ उठाएं। काशी समस्त विश्व का गुरुकुल है। हम उसी काशी के निवासी यहां बैठे हुए हैं। कल श्री कृपालु जी के अलौकिक वक्तव्य को सुनकर हम सब नतमस्तक हो गए। हम चाहते हैं कि लोग श्री कृपालु जी को समझें और इनके संपर्क में आकर इनके सरल सरस अनुभूत एवं विलक्षण उपदेशों को सुने और अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से उतार कर अपना कल्याण करें। इसके पश्चात काशी विद्वत परिषद ने आपको काशी आने का निमंत्रण दिया। वहां आपके द्वारा अत्यंत क्लिष्ट संस्कृत में दिए गए
समस्त वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों, गीतादि समस्त हिंदू धर्म ग्रंथों के सार एवं समन्वय को प्रस्तुत करने वाले विलक्षण प्रवचनों को सुनकर सभी विद्वानों ने मंत्रमुग्ध होकर एक मत से आपकी जगद्गुरुत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ जगद्गुरु की उपाधि से अर्चना की और अपने पद्य प्रसूनोपहारह नामक जगद्गुरुत्तम पदवी के प्रमाण पत्र में आपको अमित गुणाम बोधिः अर्थात अनंत गुणों का सागर घोषित करते हुए विविध प्रकार से आपकी स्तुति की। यह ऐतिहासिक घटना 14 जनवरी सन 1957 को मकर संक्रांति के दिन घटित हुई थी। उस समय श्री कृपालु जी की आयु मात्र 34 वर्ष की ही थी। तभी से मकर संक्रांति का पर्व जगद्गुरुत्तम दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। इस प्रकार जगद्गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज विश्व के पांचवें मौलिक जगद्गुरु हैं। आपसे पूर्व अवतरित अन्य चार मौलिक जगद्गुरुओं के नाम हैं आदि जगद्गुरु शंकराचार्य, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए, जगद्गुरु निम्बार्काचार्य, जगद्गुरु रामानुजाचार्य एवं जगद्गुरु माध्वाचार्य। जगद्गुरु माध्वाचार्य लगभग 700 वर्ष पूर्व हुए थे। जगद्गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज ने जीव कल्याणार्थ विशाल आध्यात्मिक साहित्य का भी सृजन किया है, जिसमें जीवों को स्वसुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी अर्थात पूर्ण निष्काम भक्ति के पथ पर आरूढ़ कर देने की आश्चर्यमयी शक्ति है। प्रेमरस सिद्धांत, सेवक सेव्य सिद्धांत, भक्ति शतक, राधा गोविंद गीत आदि ग्रंथों में उन्होंने विभिन्न आचार्यों एवं समस्त शास्त्रों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों का अभूतपूर्व सुंदर एवं सरल समन्वय किया है। प्रेमरस मदिरा, श्यामा श्याम गीत, ब्रजरस माधुरी, युगल रस, युगल माधुरी, युगल शतक, श्री राधा त्रयोदशी, श्री कृष्ण द्वादशी आदि पद्यात्मक ग्रंथों में दिव्य रसों का अगाध समुद्र भरा है। यह केवल अनुभव का विषय है, शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इतना ही नहीं, अकारण करुण करुणा वरुणालय श्री कृपालु महाप्रभु ने समाज के अभावग्रस्त एवं पीड़ित जनों के दुख से अत्यंत विचलित होकर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त 3 पूर्ण रूप से निःशुल्क चिकित्सालयों की एवं श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली से युक्त किंतु पूर्ण रूपेण निःशुल्क 3 महिला विद्यालयों की भी स्थापना।
अधिक दान देते थे कि देखने वाले अचंभित रह जाते थे। ये दानादि के कार्य भविष्य में भी निर्बाध रूप से जारी रहे। एतदर्थ उन्होंने जगतगुरु कृपालु परिषद के अंतर्गत श्यामा श्याम धाम वृंदावन एवं भक्ति धाम मनगढ़ में निर्धन सहायता कोष भी स्थापित किए हैं। चिकित्सालयों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए भी पर्याप्त भविष्य निधि जमा कर दी है। किंतु उल्लेखनीय है कि परोपकार के लिए जलहीन मछली की तरह छटपटाने वाले जगतगुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज के अपने नाम एक रुपया भी कहीं नहीं था। संपूर्ण विश्व में एक गज जमीन तक नहीं थी। इतना ही नहीं, अपनी पैतृक जमीन जायदाद यहाँ तक कि अपना मकान भी उन्होंने बहुत पहले ही ट्रस्ट को दान कर दिया था। किंतु स्वयं ट्रस्ट में कोई पद स्वीकार नहीं किया, कोई संप्रदाय नहीं चलाया, किसी को दीक्षा मंत्र नहीं दिया, अर्थात एक भी शिष्य नहीं बनाया। इस प्रकार पूर्ण रूपेण निष्काम भाव से अपना सब कुछ एवं अपने आप को भी जीव कल्याण की भट्टी में पूरी तरह झोंक देने के पश्चात भी इस अति कृतघ्नि संसार से बदले में अपमान एवं कष्ट ही प्राप्त करने वाले जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज का संपूर्ण जीवन रामचरितमानस की चौपाई भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला का ज्वलंत प्रमाण है। उनकी अनंत महिमा का वर्णन शब्दों में असंभव है। उनके स्मरण से स्वयं को पवित्र करने के लिए ही यहाँ उन अनंत गुणों के सागर के एक दो गुणों का हल्का फुल्का परिचय देने की बाल सुलभ चेष्टा की गई है। उनके द्वारा श्री वृंदावन धाम में स्थापित विश्व का अद्वितीय प्रेम मंदिर तथा भक्ति धाम मनगढ़ में स्थापित भक्ति मंदिर बिना धर्म जाति संप्रदाय आदि के भेदभाव के सबका समान रूप से स्वागत करते हुए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के विश्व बंधुत्व को साकार करने वाले परमोज्ज्वल प्रेममय एवं भक्तिमय स्वरूप की पताका फहराते हुए मानो निरंतर यही घोषित कर रहे हैं कि यह विश्व उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, कभी उऋण नहीं हो सकता, कभी उऋण नहीं हो सकता। जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी। जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी। जय जय वृंदावन महारानी राधा रानी। जय वृंदावन महारानी जय जय विहरति वृंदावन राधा रानी। जय राधा।
रानी राधे, जय राधा रानी राधे, जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी जय जय ब्रज बनी तनि धन राधा रानी जय जय ब्रज वासिन धन राधा रानी जय राधा रानी जय राधा रानी जय जय राधा रानी जय राधा रानी ओ जय जय राधा रानी राधे जय राधा रानी राधे राधा रानी राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी जय राधा रानी जय जय अवधर दानी राधा रानी जय जय ब्रज रस खानी राधा रानी जय जय 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 राधा रानी राधे जय राधा रानी राधे जय राधा रानी राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी।